नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम श्री विष्णुवे नमः। गरुड़ पुराण में भगवान श्री हरि और महर्षि कश्यप पुत्र गरुड़ जी का संवाद है। अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से जो प्रश्न पूछे हैं, वो सब मिलकर गरुड़ पुराण की रचना हुई। पक्षीराज गरुड़ ने श्री हरि से पूछा, केशव कौन से पाप से कौन सा शरीर मिलता है, इसे कृपा कर विस्तार से बताइए। श्री भगवान उवाच, अर्थात भगवान श्री हरि ने कहा, सुनो प्रिय पक्षीराज गरुड़, ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है, और ये तीनों पापी चांडाल योनि प्राप्त करते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात करने वाला भिल्ल होकर रोगी हो जाता है, परस्त्री गमन करने वाला नपुंसक और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोग से परेशान हो जाता है, मांस का भोजन करने वाले का अंग अत्यंत लाल होते जाता है, मद्य पीने वाले के दांत या नशा करने वाले के दांत काले होते हैं, लालच वश अभक्ष्य भक्षण करने वाले ब्राह्मण महोदर रोग से ग्रस्त होते हैं, जो दूसरे को दिए बिना मिष्ठान खाता है उसे गले का या गंडमाला रोग होता है, श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है, गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मिर्गी का रोगी होता है, वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडु रोगी होता है, झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति ओष्ठ रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है, गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है, झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलता है तथा झूठी बात सुनने वाला बहरा हो जाता है, विष देने वाला मूर्ख और उन्मत्त पागल तथा आग लगाने वाला गंजा होता है, मांस बेचने वाला अभागा दूसरे का मांस खाने वाला रोगी हो जाता है, रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है, सोना चुराने वाला नख रोगी और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है, अन्न चुराने वाला चूहा और धान चुराने वाला टिड्डी होकर जन्म लेता है, जल की चोरी करने वाला चातक और विष का व्यवहार करने वाला बिच्छू हो जाता है, शाक पात चुराने वाला मयूर होता है, शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला चुचुंदरी हो जाता है, मधु चुराने वाला डांस, मांस चुराने वाला गीध और नमक चुराने वाला चीटी का जन्म लेता है, तांबुल फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर लेकर जन्म लेता है, जूता घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़ योनि में उत्पन्न होता है, जो मार्ग में यात्रियों को लूटता है और जो आखेट का व्यसन रखने वाला वो कसाई के घर बकरा होकर जन्म लेता है, विष पीकर मरने वाला अर्थात आत्महत्या करने वाला पर्वत पर काला नाग होता है, जिसका स्वभाव अमर्यादित है वह निर्जन वन में हाथी होता है, बलि वैश्वदेव न करने वाले तथा सब कुछ खा लेने वाले द्विज अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाले व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं, जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता और जो संध्योपासना नहीं करता, जिसका अंत स्वरूप दूषित तथा ब्राह्म स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है वह ब्राह्मण बगुला होता है, जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए उनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सुअर होता है, क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गर्दभ तथा बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा होता है, जो सत्पात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता वह ब्राह्मण बैल होता है, गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है, गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य से हूँ या तू शब्दों का उच्चारण करने वाला और वाद विवादों में ब्राह्मण को पराजित करने वाला जल विहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है, प्रतिज्ञा करके द्विज को या ब्राह्मण को दान न देने वाला सियार होता है, सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है, मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गीध होता है और क्रय में धोखा देने वाला उल्लू हो जाता है, वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कपोत होता है, आशाओं को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला द्वेषवश
स्त्री का परित्याग करने वाला बहुत काल तक चक्रवाक यानी चकोर पक्षी का जन्म लेता है। माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्म तक गर्भ में या योनियों में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अपशब्द कहने वाला या कहने वाली तथा नित्य कलह करने वाला या करने वाली जलों का अर्थात जल जोंक बन जाती है। और जो पति को गाली गलौज करने वाली जो नारी है वो जू लेकर जन्म लेती है। अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री चमगादड़ी छिपकली अथवा दो मुंह वाली सर्पिनी होती है। व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच होकर जन्म लेता है और अप्राप्त यौवन से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य गिरगिट होता है। राज पत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा का जन्म लेता है। जो महाकामी होता है वह काम लंपट घोड़ा होता है। किसी के मरणाशौच में एकादशाह तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। जो ब्राह्मण द्रव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके महापातकी व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः इस मर्त्य लोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा गधा ऊंट और महिषी की योनि प्राप्त करता है तथा सूरापान करने वाला भेड़िया कुत्ता एवं सियार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाला कृमि कीट तथा पतंग की योनि प्राप्त करता है। परस्त्री का हरण करने वाला धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्मारास होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता रहता है। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे द्वारा दी गई पृथ्वी को छीन लेता है। वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो स्वयं कुछ देकर पुनः स्वयं ले लेता है वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि का दान देकर यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता प्रत्युत उसे हर लेता है वह पंगु अर्थात लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1,00,000 गोदान का फल प्राप्त करता है और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर कुत्ता तथा लंगूर होता है। प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वोक्त योनियां तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म करने वाले जीव नरकीय यातनाओं को भोग कर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए पूर्वोक्त योनियों में जाते रहते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक तिर्यक यानी पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि कार्यों से दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा शीत तथा आतप से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से वह गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख प्राप्त करके पुनः मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। श्री हरि भगवान कहते हैं, मेरी माया से प्राणी ऊपर नीचे की योनि में भ्रमण करते रहते हैं। कर्म पाश बंधे रहकर कभी वे नरक में और कभी वे भूमि पर जन्म लेते हैं। दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है। पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्प के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में पाप चिन्ह निरूपण अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम श्री विष्णुवे नमः।